नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज बिहार में। न्यूज बिहार आप तमाम दर्शकों को बिहार की सियासत से जोड़ रहा है। ऐसे में सुर उठे थे बगावती भाजपा से। सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा, 2009 में भी जीते थे और 2014 में भी जीते थे। कहते हैं कि जब एक प्रत्याशी लगातार जीत दर्ज करता है तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, और जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो विवाद शुरू होता है। विवाद शुरू हुआ और उस विवाद ने कहीं ना कहीं इस तरीके से समा बांधा कि शत्रुघ्न सिन्हा महसूस करने लगे कि भाजपा में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, और इस सम्मान का असर इस कदर हुआ कि भाजपा से बागी हो गए शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पाए जा रहे थे कि वो विपक्ष में बैठी लोगों के साथ मंच साझा कर रहे थे। अब जब दामन छोड़ दिया है भाजपा का शत्रुघ्न सिन्हा ने, तो उम्मीद लगाए हुए थे कि पटना साहिब से कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी। खैर, राजद के लिए गए थे शत्रुघ्न सिन्हा। राजद आपस में ही लड़ रही है सीटों को लेकर, भाई भाई लड़ रहे हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब सदस्यता मिलेगी 6 तारीख को कांग्रेस से उनको, तो पटना साहिब उनके खाते में आएगा। आपको याद करा दे कि शत्रुघ्न सिन्हा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए बिहार की बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाने देंगे, लेकिन उनके घर से उनकी सुपुत्री सोनाक्षी सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री में गई और एक सुपरस्टार बनी हुई है। इस मुद्दे पर जब माहौल गर्म है राजनीति का, सोनाक्षी सिन्हा से संवाददाताओं ने पूछा कि क्या हाल है शत्रुघ्न सिन्हा का, तो उन्होंने कहा कि सब बेहतर है। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे पिता को सम्मान नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ जाने की सोची। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता भाजपा में जुड़े थे उस वक्त जयप्रकाश नारायण भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने आडवाणी का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जो भाजपा है और इस भाजपा के जो ग्रुप सदस्य हैं, मतलब मोदी कैबिनेट, वो शायद इज्जत नहीं दे रही थी शत्रुघ्न सिन्हा को, और इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बदलाव के तौर पर कांग्रेस का दामन पकड़ा। ये बिहार की राजनीति है, बड़ा दिलचस्प होती है, लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बाहुबलीय शख्सियत के लिए उनकी पत्नी मैदान में उतर रही हैं, ऐसे में अब शत्रुघ्न सिन्हा के बचाव में उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने लोकसभा चुनाव के रणनीति मैदान में अपना स्टेप फॉरवर्ड कर दिया है। यही है बिहार की राजनीति, बड़ा दिलचस्प है, और इस दिलचस्पी से देखने के लिए बिहार की राजनीति को आप बने रहे भारत लाइव टीवी के साथ, क्योंकि ये बिहार की राजनीति हर दिन एक नई दिशा तय कर रही है। और कहते हैं कि जब भी किसी नए दिशा में आप जाते हैं तो नया नया जानकारी मिलता है। देखते रहे भारत लाइव टीवी। धन्यवाद।